सो है गाइस, तो आज हम लोग बताएंगे टॉप 5 बाइक इन इंडिया। इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर गाइस ये 5-5 बाइक एंट्री करने जा रहा है, तो कौन सा बाइक एंट्री करेगा वो भी हम लोग बताएंगे। एंड साथ में बताएंगे ये जो बाइक के अंदर क्या कुछ फीचर्स, प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड देख सकते हो, सारी कुछ कवर करेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 को लेके बताएंगे तो होंडा सीवी 125R। तो ये जो बाइक के अंदर इनिशियल पिकअप टॉप स्पीड 125 होने के बाद भी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से देख सकते हो, एंड साथ में कैफे डेजर्ट टाइप का देख सकते हो। एंड ये जो बाइक है ना फुली नेकेड स्पोर्ट बाइक के अंदर आ रहा है। सबसे पहले बताएंगे होंडा सीवी 125 के अंदर, होंडा सीवी 125R के अंदर क्या कुछ फीचर देख सकते हो। सबसे पहले बताएंगे बाइक का सस्पेंशन को लेकर, सामने मतलब फ्रंट पे यूटी सस्पेंशन मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन देख सकते हो, एंड रियर पे मोनोशॉक देखने मिलेगा। और दोनों जो बाइक का टायर साइज है ना, सामने का टायर मतलब फ्रंट पे 1/0 × 70 × 70 देखने मिलेगा, और रियर टायर 140 × 70 × 70 देखने मिलेगा। बाइक का जो टायर साइज है ना कंपनी यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे दिया। बाइक का लाइटिंग सिस्टम को लेकर बताएंगे तो यहाँ पे एलईडी हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप, साइड इंडिकेटर भी एलईडी, एंड पीछे का टेल लाइट भी एलईडी। और बाइक का ओवरऑल जो लुकिंग है ना बहुत बढ़िया ए ऑन लुकिंग के साथ देख सकते हो, एंड मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। आप लोगों को कैसे लगा वो भी एक बार कमेंट करके बता देना। अभी हम लोग बताएंगे बाइक का टॉप स्पीड कितना हो सकता है। 120 प्लस टॉप स्पीड हो सकता है, 122-123 तक भी जा सकता है। नंबर 2 को लेके बताएंगे तो 2024 KTM Duke 125। तो ये जो बाइक है ना फाइनली इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर एंट्री करने जा रहा है बहुत जल्दी। एंड ये बाइक के अंदर क्या कुछ फीचर देख सकते हो, सबसे पहले चेंजेस देख सकते हो एलईडी हेडलाइट लैंप, साइड इंडिकेटर भी एलईडी, एंड पीछे का टेल लाइट भी एलईडी। नंबर 2 यहां पे चेंजेस देख सकते हो एग्जॉस्ट का सिस्टम, मतलब फुल सिस्टम एग्जॉस्ट चेंजेस देख सकते हो। एंड नंबर 3 यहां पे जो चेंजेस देख सकते हो डिजिटल एलसीडी टीएफटी कलरफुल मीटर, मतलब मीटर का जो लुकिंग है ना बहुत बढ़िया लुकिंग के साथ देख सकते हो। एंड अभी हम लोग बताएंगे 2024 KTM Duke 125 के अंदर क्या कुछ लुकिंग देख सकते हो। लुकिंग को लेके बताएंगे तो एकदम KTM Duke 390 Zen 2 के अंदर जो लुकिंग देख सकते हो सेम टू सेम वही वाला लुकिंग भी यहां पे देख सकते हो। तो आप सारे लोग यार कमेंट करके बता देना ये जो बाइक का लुकिंग कैसा लग रहा है वो भी एक बार गाइस कमेंट करके बता देना। अभी हम लोग बताएंगे बाइक का फीचर्स को लेके, सामने पे यूटी सस्पेंशन मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन हम देख सकते हो, एंड रियर पे मोनोशॉक देखने मिलेगा। और KTM का जितना सारे बाइक है सारे बाइक का बिल्ड क्वालिटी हाई टाइम यहां पे ए ऑन ही होता है। नंबर 3 को लेके बताएंगे ये भी एक अपकमिंग बाइक है जिसका नाम है बजाज पल्सर RS 400। कुछ दिन पहले गाइस में NS 400 लॉन्च किया बजाज ने, एंड फाइनली बजाज ने और एक न्यू बाइक लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है NS 400 के अंदर जो इंजन देख सकते हो सेम टू सेम वही वाला इंजन RS 400 के अंदर भी देखने को मिलेगा। बट RS 400 का जो लुकिंग है ना स्पोर्ट लुकिंग है, एंड NS 400 का जो लुकिंग है ना पूरा फुली नेकेड स्पोर्ट बाइक है। दोनों बाइक के अंदर ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे फ्रेम एंड बॉडी के अंदर चेंजेस देख सकते हो। बट इंजन यहाँ पे RS 200 एंड NS 200 के अंदर जो इंजन देख सकते हो सेम टू सेम RS 400 और NS 400 के अंदर सेम टू सेम वही वाला इंजन देख सकते हो। तो अभी हम लोग बताएंगे RS 400 के अंदर क्या कुछ फीचर देख सकते हो। एलईडी हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप, साइड इंडिकेटर भी एलईडी, एंड पीछे का टेल लाइट भी एलईडी। डिजिटल एलसीडी टीएफटी कलरफुल मीटर, मतलब मीटर का जो लुकिंग है ना बहुत बढ़िया लुकिंग के साथ देख सकते हो। अभी हम लोग बताएंगे बाइक का सस्पेंशन को लेकर, सामने पे यूटी सस्पेंशन मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन देख सकते हो, एंड रियर पे मोनोशॉक देखने मिलेगा। और बाइक का टायर साइज को लेकर बताएंगे तो सामने मतलब फ्रंट पे 1/0 × 70 × 70 देखने मिलेगा, और रियर टायर 140 × 70 × 70 देखने मिलेगा। मतलब RS 400 के अंदर जो लुकिंग एंड फीचर्स है ना बहुत बढ़िया फीचर्स के साथ देख सकते हो। टॉप स्पीड कितना हो सकता है, 170 प्लस जा सकता है। नंबर 4 को लेकर बताएंगे ये भी एक बहुत खतरनाक वाला बाइक है, 2-सिलेंडर इंजन के अंदर देख सकते हो जिसका नाम है होंडा सीबीआई 250RR। तो ये जो बाइक का खतरनाक वाला साउंड, खतरनाक वाला पिकअप है वो तो सारे लोग जानते ही है। जो जो मेरा चैनल को बहुत दिन से फॉलो कर रहा है सारे लोगों को पता ही है होंडा सीबीआई 250RR का लुकिंग एंड फीचर्स एंड इंजन का पावर कैसा है वो तो सारे लोगों को पता ही है। तो अभी हम लोग बताएंगे होंडा सीबीआई 250RR का लुकिंग को लेके, लुकिंग कैसे पे ऑन लुकिंग के साथ देख सकते हो, एंड थोड़ा बहुत बताएंगे फीचर्स को लेके। ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया पावरफुल 2-सिलेंडर का इंजन, इंजन का जो दम है ना बहुत खतरनाक वाला, लुकिंग भी खतरनाक वाला, पावर भी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स को लेकर बताएंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल मतलब TCS क्विक शिफ्टर सारी कुछ अवेलेबल देख सकते हो, एंड साथ में एलईडी हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप, साइड इंडिकेटर भी एलईडी, एंड पीछे का टेल लाइट भी एलईडी। और ये बाइक के अंदर कंपनी ऐसा एक फीचर दे दिया जो बाकी बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे मेन जो फीचर है क्रूज कंट्रोल, ये हमारा इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल तो नहीं है बट अपकमिंग मॉडल है, बहुत जल्दी इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर एंट्री भी कर लेगा। बाइक का ब्रेकिंग कंट्रोल को लेकर बताएंगे तो यहाँ पे कंपनी यूज किया ड्यूअल चैनल ABS मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे कंपनी बहुत एक पावरफुल सिस्टम यूज किया। और होंडा का जो क्वालिटी है ना बहुत बढ़िया ए ऑन क्वालिटी के साथ देख सकते हो। नंबर 5 को लेके बताएंगे तो हीरो का एक बाइक है जिसका नाम है हीरो XF3R। तो ये जो बाइक का लुकिंग है ना थोड़ा बहुत आप लोग को अलग सी लुकिंग देख सकते हो, लुकिंग कैसे पे थोड़ा सा अलग लुकिंग देख सकते हो। बाकी इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर ऐसा लुकिंग के अंदर ज्यादा बाइक देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम बाइक देख सकते हो। बट लुकिंग कैसे बहुत ज्यादा यूनिक लुकिंग है, एंड फीचर्स भी बहुत ज्यादा यूनिक फीचर्स बोल सकते हो, क्योंकि ये बाइक के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा फीचर्स एंड प्राइस भी आप लोग अच्छा खासा देख सकते हो, अंडर 2 लाख के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे डीएल चैनल ABS मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, यूएसबी सस्पेंशन मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन, रियर पे मोनोशॉक, एलईडी हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप, साइड इंडिकेटर भी एलईडी, सारी कुछ जितना सारे जो फीचर्स है ना सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल देख सकते हो। तो अभी हम लोग इस बताएंगे जो 5-5 बाइक का
नाम बताया, इसके अंदर आपका फेवरेट बाइक कौन सा है, ड्रीम बाइक कौन सा है, वो भी एक बार कमेंट करके बता देना। मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है होंडा सीबीआई 250 RR, तो आपको कौन सा बाइक सबसे ज्यादा बढ़िया लगा वो भी एक बार कमेंट करके बता देना। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो वीडियो के अंदर लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो गाइस, चले आज को वीडियो इतना ही, एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।